सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की झलकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। आइए, हाँ, पेशेंट का नाम, आई मीन जिसका टेस्ट करना है। सुरीली, समीर और सागर। डॉक्टर, इस टेस्ट के गलत होने के चांसेस है? इस टेस्ट का तो गलत होने का कोई चांस ही नहीं होता। क्योंकि डीएनए टेस्ट दुनिया भर में बहुत नामी टेस्ट होता है। इससे ये पता चल जाता है कि बच्चे के माता पिता कौन है। सिस्टर, आप इन दोनों को अंदर लेकर आइए। विद्या, तुम बिल्कुल घबराना मत। एक छोटा सा टेस्ट है और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि सुरीली सच कह रही है या नहीं। सागर ये सब समझ नहीं पाएगा, इसे प्लीज तुम ध्यान देना कि सागर ये टेस्ट ठीक ठीक करवा ले। जी। हम सबको मिलकर सुलील को गलत साबित करना है। मिस्टर सागर, सागर कहाँ है? चिंगा, तुम जरा। हम देख कर आते उन्हें। रुकिए भैया। यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? झूठी, तुम झूठी हो। तुमने मुझे कहा था कि शादी के बाद लोगों के बच्चे होते हैं। हमारी शादी हो गई पर हमारा तो कोई बच्चा नहीं है। फिर ये बच्चा हमारा कैसे हो सकता है? मैं इसका पापा कैसे हो सकता? सुरीली, मेरी शादी भी नहीं हुई। बताओ ना विद्या, मैं इसका पापा कैसे हो सकता हूँ? सुरीली झूठ बोल रही है। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता ये क्या टेस्ट हो रहे हैं। ये क्या कोई एग्जाम है? डॉक्टर अंकल मुझे क्या सवाल पूछेंगे विद्या? मुझे कुछ नहीं पता विद्या।
मुझे कुछ नहीं पता। देखिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी सी जांच है ये, और आपको ये सब झूठ लग रहा है ना, वैसे बाकी सबको भी ये झूठ लगता है और सब सच जानना चाहते हैं, इसीलिए जांच जरूरी है। पर जांच की क्या जरूरत है विद्या, मैं सच कह रहा हूँ, गॉड प्रॉमिस, मैं उसका पापा नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ उसका पापा। मैं आप पर विश्वास है, मगर बाकी सबको विश्वास दिलाने के लिए जांच करवाना बहुत जरूरी है। आप करवाएंगे ना ये जांच? मुझे डर लग रहा है विद्या। क्यों डर लग रहा है आपको? सब है ना यहाँ आपके साथ में। रहोगी ना मेरे पास, तुम मेरे साथ ही रहना विद्या, फिर मैं सब जांच करवा लूं, जानो मुझे छोड़ के, मुझे बहुत डर लग रहा है विद्या। ठीक है, हम आपके साथ ही रहेंगे। पापा ने मैं पापा ने इट्स ओके आप दोनों अब थोड़ा बाहर इंतजार कीजिए। कुछ नहीं बस हो गया, आ जाओ। ये ब्लड सैंपल आप लेबोरेटरी भेज दीजिए और इसकी रिपोर्ट मुझे बहुत जल्द चाहिए। आइए, आप यहां पर लेट जाइए। चलिए प्लीज कम। आप घबराइए मत, हमें आपका थोड़ा सा खून लेना है। मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, मुझे इंजेक्शन बदल, प्लीज मैं कोई खून नहीं दूंगा। कुछ नहीं होगा, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, तुम गंदे डॉक्टर हो, बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं क्या? देखिए आप डरिए मत, एवरीथिंग विल बी फाइन। नहीं मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। आप प्लीज लेट जाइए। नहीं होगा आपको, हम है ना आपके साथ भी, हाँ कुछ भी नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग, देखिए ये छोटी सी जांच है, दो पल में खत्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, प्लीज प्लीज चलो। बैठे रहिए, कुछ नहीं होगा आपको, प्लीज सुनिए हमारी बात। सागर जी, क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो, क्या हुआ सागर? मैं बताती हूँ। सॉरी पर सागर को हमेशा से सिरिंज अच्छी नहीं लगती थी, शायद आप लोग ये बात भूल गए। मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ,
एक बार रात को जब सागर मेरे घर रुका था, तब सागर की बहुत तबीयत खराब हो गई थी। रात को 3 बजे मैंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि सागर को इंजेक्शन देना पड़ेगा और सागर ने इस चीज से इनकार कर दिया। तुम याद नहीं सागर? बताओ। देखिए, हम जानते हैं कि आप डरे हैं, मगर पिछले कुछ दिनों में आपने कितनी बहादुरी दिखाई। उस दिन जब भारत तैरने गया था, तब आपने उस तार को ठीक किया था, है ना? जब आप उस दिन नहीं डरे थे, तो फिर आज क्यों? आपको आज भी नहीं डरना है। देखिए, आप जांच करवा लेंगे ना, तो सबको कितनी खुशी होगी और हमें भी। और एक यही तरीका है जिससे ये पता चल सके कि जो आप कह रहे हैं वही सच है। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं ये टेस्ट करवा लूं, तो मैं करवा लूंगा। मैं इंजेक्शन लगवा लूंगा, मैं लगवा लूंगा इंजेक्शन। ले जाइए। आप लोग प्लीज बाहर इंतजार कीजिए। सुरीली, कहाँ जा रही हो? क्यों, अब क्या हुआ? ये टेस्ट तो हो चुके हैं ना? टेस्ट तो हो चुके हैं, लेकिन रिजल्ट्स आने बाकी हैं। या तुम्हें रिजल्ट से डर लग रहा है? क्योंकि कुछ ही देर में तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा। तुमने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है, सागर पर ही नहीं बल्कि इस परिवार पर भी, और मैं जानता हूं कि तुम किस हद तक जा सकते हो। इसीलिए जब तक रिपोर्ट्स हमारे हाथ में ना आ जाए, तुम हमारे साथ हमारे नजरों के सामने रहोगी। ठीक है, मैं आप सबके साथ ही रहूंगी, तैयार हूं मैं हर नतीजे के लिए, मगर आप लोग भी तैयार हो जाइए। रिपोर्ट में वही लिख कर आएगा जो मैं कह रही हूं, जो सच है, क्योंकि सागर इस बच्चे का बाप। सागर इस बच्चे का बाप। अगर ये साबित हो गया तब आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोग इस बात की चिंता करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब मैं भी रिपोर्ट्स के आने तक कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी। अगर ये साबित हो गया कि ये बच्चा आपका ही खानदान का है, ये सागर का ही अंश है, ये आपका अपना खून है, तो क्या तब भी आप लोग इसे अपनाने से इनकार करेंगे?
बताइए, जवाब दीजिए। तक तो मेरे मन में ये ख्याल नहीं आया था, अगर आप लोग इस बात को अगर यहां तक खींच के लाए तो ठीक है, मैं भी रिपोर्ट के आने तक का इंतजार करूंगी। अगर ये बात प्रूफ हो गई कि ये बच्चा सागर का ही है तो मैं भी अपने बच्चे के हक के लिए पीछे नहीं हटूंगी। मुझे इसकी बातें सुन के डर सा लग रहा है, कहीं ये सच तो नहीं बोल रही। माँ, जब लोगों को झूठ को सच साबित करना होता है तो वो यूं चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं ताकि दो चार लोग उस पर यकीन कर लें। इसका ये नकली हौसला चंद घड़ियों का मेहमान है। एक बार रिपोर्ट आ जाए फिर ये यहां से भाग लेगी, आप देख लीजिएगा। विद्या बेटा, हमारी तो मति मारी जा रही है। अगर इस जांच में पता चल जाए कि ये बच्चा जमाई बाबू का ही है तो क्या होगा, क्या करोगी तुम? हम नहीं जानते माँ कि उस जांच का नतीजा क्या निकलेगा और उसके बाद हमारा क्या होगा, वो भी नहीं जानते हम। इस बात की हमें फिक्र है भी नहीं माँ, हमें ख्याल है तो बस उस वचन का जो हमने बाबा को दिया था माँ अपने शादी के वक्त, कि हम अपनी आखिरी सांस तक इनका साथ नहीं छोड़ेंगे और इनके परिवार की हर पल सेवा करेंगे। अब किस पर चाहे किसी भी करवट बैठे माँ, हम अपनी कसम से कभी नहीं चूकेंगे। ऐसे हालात में परिवार वालों का सामना करना एक बात होती है और अपने पति के बच्चे की मां का सामना करना दूसरी बात। जब जब सौत घर में आ जाए, खासकर जब वो एक बच्चा साथ में ले आती है, परिस्थितियां रातों रात बदल जाती हैं। हमने अपनी जीवन की डोरियां शंभुनाथ के हाथों में थमा दी है माँ, इन्होंने डाला है ना हमें इस परिस्थिति में, अब राह भी हमें यही दिखाएंगे माँ। बस माँ हमें फिक्र है तो इनकी है कि माँ ये सिर्फ हमारे कारण तैयार हुए उस जांच के लिए और ये सब बातें सुनकर पता नहीं क्या बीत रही होगी इनके ऊपर, इसी बात का डर है हमें। विद्या, ये वक्त इन बातों को सोचने का नहीं है। अब ये विचार कर कि अगर ये बात सच साबित होगी तो आगे क्या होगा। हेमा, तुम तो हमें हमदर्दी दिखाने के बजाय हमें और डरा रही हो। डरा नहीं रही हूँ दीदी, सच बयां कर रही हूँ। भगवान ना करे अगर ये बच्चा सागर का निकला तो क्या घर वालों के मन में ये सवाल नहीं उठता कि खानदान का वारिस मिल गया है जो अब तक विद्या से ना मिल सका। जरा सोचो, ऐसे में घर वालों को विद्या की क्या जरूरत होगी। हाँ हेमा, बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी,
अब देखो आज क्या है कि परिवार वाले विद्या के साथ हैं, कल को पलटी मार गए तो फिर क्या होगा? आपका हित हमारे लिए सबसे ऊपर है, हाँ इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं। विद्या तो चाहे कुछ भी सोच, लेकिन सच तो ये है कि बच्चे के आ जाने के बाद तू अब सागर के साथ पहले की तरह नहीं रह पाएगी। बस यूं समझ ले कि ये बच्चा तुम दोनों के बीच एक दीवार बन के आ गया है। अब तो मुझे तुम्हारे और सागर के बीच के रिश्ते को लेकर चिंता हो रही है। भगवान ना करे तुम दोनों को अलग हो जाना पड़े।